नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जज्जी बस स्टैंड पर खड़े होने वाले गाड़ियों के ड्राइवरों का आज हुआ नेत्र परीक्षण। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान रोज ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनसे सड़क पर चलने वाले लोगों को जानकारियां मिल सके। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षित वाहन चालन के लिए क्या क्या आवश्यक है। इसी तारतम्य में आज नेत्र परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसे जज्जी बस स्टैंड में बने प्रतीक्षालय में किया गया। इस मौके पर आधा सैकड़ा से अधिक वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया गया, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गयी। खराबी भी निकली? हाँ, इसमें उनकी प्रॉब्लम पूछी जाती है। उन्हें किसी को आंखों में आंसू आना है, किसी को कभी धुंधला दिखना है, तो उनकी दवाई लेके आए डॉक्टर साहब, दवाई भी दे रहे हैं। अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा गुना में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु भूमि पूजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज भोपाल से एक टीम डीपीआर बनाने के लिए गुना पहुंची। यही गुना के समाज सेवियों ने आज इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। वहीं समाज सेवी पुष्पराज शर्मा ने बताया कि गुना शहर में 3 नदियां और इसके साथ ही 4 तालाब भी हैं। उसके बाद भी गुना शहर प्यासा बना रहा है, साथ ही यहां पर सदैव जल संकट मंडराता रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी की कल्पना बिना नदी और तालाबों को संरक्षित किए हुए साकार नहीं हो सकती, क्योंकि जहां भी स्मार्ट सिटी बनाई जाती है वहां पर तालाब और नदियों का निर्माण कराया जाता है। गुना शहर में पहले से ही नदियां और तालाब हैं, जिनका संरक्षण किसी के द्वारा आज तक नहीं किया गया। आज अपनी इसी मांग को लेकर समाजसेवियों का संगठन जिला कलेक्टर से मिला और गुहार लगाई कि 3 नदी और 4 तालाबों को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। समस्या पर है कि गुना में प्राकृतिक द्वारा दी गई बहुमूल्य नदियां होने के बाद भी क्यों इनकी इतनी दुर्दशा है कि इन्हें नालों में तब्दील किया गया है। क्या वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता? पानी के लिए चिंतित है सभी। पानी में थोड़ा सरसत है, लेकिन 3 नदी 4 तालाब किसी शहर में नहीं है, लेकिन पानी वास्तव में। आज क्या है कि समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी गुना आ रहे हैं और स्मार्ट सिटी का भूमि पूजन भी करेंगे। उसके साथ ही एक समाचार यह था कि आज भोपाल से कोई टीम आ रही है गुना में स्मार्ट सिटी के लिए सर्वे करने, डीपीआर बनाने। हम माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से शासन प्रशासन को ये निवेदन करने आए थे कि जब स्मार्ट सिटी का डीपीआर बन ही रही है तो गुना में जो 3 नदियाँ हैं, गुनिया, ओड़िया और पनरिया, और 4 तालाब हैं, भैरी तालाब, सिंहवासा, गोपालपुरा और रानी तलैया, इन चारों को उस डीपीआर में शामिल किए बिना गुना के स्मार्ट सिटी की कल्पना की नहीं जा सकती है। हमारे शहर इतना सौभाग्यशाली है कि वहाँ पे 3 नदियाँ और 4 तालाब हैं, इसके बाद भी शहर प्यासा रहता है। यदि इन चारों मूल जल स्रोतों को हम संरक्षित कर लें तो हमारे शहर की जल समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है।
और साथ ही साथ सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नए शहर बस रहे हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल नदियाँ और आर्टिफिशियल तालाब बनाने का एक सिलसिला चल पड़ा है। ऐसे में हमारी पुरानी नदियों और पुरानी तालाबों को यदि हम जीर्णोद्धार कर दें तो गुना के स्वच्छ, साफ, सुंदर और संपन्न गुना होने की कल्पना साकार की। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त बेंच ने आज रेस्ट हाउस परिसर में निपटाए कई मुकदमे। महिला आयोग से जुड़े सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु आज राज्य महिला आयोग ने संयुक्त बेंच द्वारा यहां पर सभी को बुलवाया गया। यह संयुक्त बेंच 26 एवं 27 अप्रैल को रेस्ट हाउस परिसर में सुनवाई करेगी। आज 40 प्रकरणों की सुनवाई हेतु यहाँ बुलवाया गया है। आज राज्य महिला आयोग द्वारा एक संयुक्त बेंच रखी थी, आज संयुक्त बेंच रखी सुनवाई की जा रही है। आवेदक और अनावेदक को बुलाया है, दो दिन की बेंच चल रही है, ये आज भी कल भी है। सर कितने प्रकरण आए हैं? आज 40 प्रकरण रखे गए हैं। अच्छा, अब 40 प्रकरण में शाम तक कितने लोग आते हैं, उतने लोगों की सुनवाई। मैडम एक प्रमिला वाजपेयी मैडम है, आदरणीय और आदरणीय राय मैडम है, जो संयुक्त जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, तो संयुक्त बेंच आज आयोजित की है, इस सुनवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय से महज 80 किलोमीटर दूर मधुसूदनगढ़ में एक प्राइवेट गार्डन में शादी समारोह का खाना बनाते समय अचानक वहां रखे खाना बनाने के सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते अचानक चार सिलेंडरों में आग भभक गई, जिसके लगने से चारों सिलेंडरों में भारी विस्फोट हुआ। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहां किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आसपास की इमारतों में इस विस्फोट के निशान जरूर देखने को मिल रहे हैं। पास ही की कुछ इमारतों में आग भी लग गई। शादी के पंडाल में आग लगने से यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं लोग अपने घरों से सिलेंडर को दूर ले जाते भी देखे गए। वहीं बताया जा रहा है कि विदिशा से यहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जो लगभग एक घंटे की देरी से वहां पहुंची, जिसकी मदद से आम लोगों ने वहां आग पर काबू पाया। अचानक लगी इस आग के चलते लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों से सिलेंडर को बचाने में लगे रहे, ताकि इस घटना की वजह से उनके साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। वहीं मौके का जायजा लेने पहुंची विधायक ममता मीना। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। सिलेंडर में आग लग रही, वहाँ में सब बढ़िया है। भीतर तो नहीं है कोई? आग आज शर्मा परिवार की शादी थी आज गार्डन में, तो शादी में गैस सिलेंडर की नली निकल गई, इसके कारण गार्डन में आग लगी। अच्छा, तो कितने किसी के चोट वगैरह आएगी? नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी की गार्डन पूरा जल गया है, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। कौन सा गार्डन है, क्या नाम था उसका? सावरिया परिसर। अच्छा, इसमें क्या कुछ सिलेंडर भी फटे? लगभग 4 से 5 सिलेंडर फटे आज ये गार्डन में। शादी
चल रही थी शर्मा जी समाज की, हाँ उसमें आग लगने से चौतरफा से सब हमारे मकान में सब में लग गए। अच्छा, क्या सिलेंडर भी फटे? हाँ फटे ना। अच्छा, कितने फटे? चार पांच सिलेंडर फटे। कितने फटे? चार पांच। अच्छा, किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई। अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति के सामने धरने पर बैठेंगे बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऐसा कहना है विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया का। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का। वहीं महामहिम राष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष या किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, वह पूरे राष्ट्र के होते हैं। इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि यदि बमोरी क्षेत्र में महामहिम के आने पर वहां का भगवाकरण किया गया तो वह महामहिम राष्ट्रपति के सामने धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि महामहिम के आने पर वह भी प्रफुल्लित हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि पूरे क्षेत्र को भाजपा या फिर भगवाकृत कर दिया जाए। 29 तारीख को मेरी विधानसभा क्षेत्र में देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद के महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को लिखा है कि महामहिम का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसकी गरिमा को बनाए रखा जाए और इसका भगवाकरण और भाजपाकरण मेरी विधानसभा क्षेत्र में ना किया जाए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, प्रशासन करता है, तो मैं राष्ट्रपति महामहिम के सामने ही धरने पर बैठूंगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस हेतु मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के ADC, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय सांसद महोदय को मेल के द्वारा सूचित करा दिया। चाचौड़ा तहसील के ग्राम बिजनीपुरा में विगत रात्रि अज्ञात कारणों के चलते एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकानदार का 60 से 70 हजार रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार प्रताप मीना ने बताया कि उसके पास इस दुकान के अलावा परिवार चलाने के लिए कोई और साधन नहीं है। वहीं दुकान में आग से हुए नुकसान की वजह से परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। मीना ने बताया कि आग लगने की सूचना उन्होंने पुलिस एवं तहसीलदार को दे दी गई है। वहीं मदद की गुहार भी लगाई गई है। मोबाइल को वालन का ढक्कन दे। ये कैसे लगी आग? पता नहीं बाबूजी, हमको तो रात को लगी। कितना नुकसान है आपका? ये 60-70 हजार का नुकसान। अच्छा, आपके यहाँ जमीन वमीन है कुछ? कुछ नहीं। बीनागंज से हमारे सहयोगी आरके शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक और राज्य एवं प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं और उन्हीं को लाभ भी मिल पा रहा है, यह दावे कितने खोखले हैं ये हम आपको आज बताएंगे। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे गांव के बारे में जहां ना तो सड़कें हैं, ना शौचालय, ना ही प्रधानमंत्री आवास, ना ही पीने का पानी। उसके बावजूद भी इन लोगों की शिकायत सुनने वाला कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नहीं। मुरादपुर पंचायत, जहां पर लोगों ने बताया कि उन्हें पानी के पीने की बहुत किल्लत है, इसके साथ ही BPL कार्ड बनवाने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री कुटीर की अगर बात करें तो उन लोगों के नाम पे आवंटित की गई है जो कई वर्षों से इस गांव में रह ही नहीं रहे हैं। साथ ही इन कुटीरों को लोगों को बेच भी दिया जाता है और यह सब होता है सरपंच और सचिव की मिलीभगत से। दूसरी की दूसरी कुटी नाम पे दे रहे हैं और पैसा ले लेके, और वो मतलब जो धनी नहीं है कुटिया वाला, वो दूसरे को बेच देते हैं।
दूसरे को पैसे लेके बेचते हैं पैसे लेके। ये सेक्रेटरी का क्या नाम है जो पैसे लेता है? ये अपनी जो पंचायत में सेक्रेटरी है वही क्या नाम है? हरीश्याम। हरीश्याम है तो सरपंच से आप नहीं बोलते हैं? सरपंच क्या बोलता है? सरपंच को बोला हमने तक बोले भाई मैं उसके ही हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा सरपंच ये बोलता है कि सेक्रेटरी के हाथ में है और आधेव के नाम नहीं लिखे? आधेव यहाँ पे बोले 18 कुटिया आई थी हमारे, 18 कुटिया आई थी और 5 कुटी का काम चालू हुआ और 9 कुटी का सफाईया कर दिया उसने। सफाई कर दिया नहीं गई है, 5 का चालू है, 5 का काम चालू है अभी और बाकी खा गए, बेच दी उसने, बेच दिए। चलिए सर राशन कार्ड भी नहीं बना बना के दे, राशन कार्ड मांगने को जाते हैं तो बोले तुम्हारे राशन कार्ड लाओ, राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं है। तीन हिस्सा पब्लिक के राशन कार्ड नहीं है सब, जो नए लड़के हैं ना उसू के दो दो चार चार बाल बच्चे हैं उसू का हम रोजी ना पूछ रहे तो बोले हम नहीं बना सकते, बोले जाओ बम्बोरी तुम के पास पुराने पर्चे लाओ, क्या क्या लिख के लाओ, अब हमको क्या मालूम है नहीं तो हम कहाँ से लाए? गेहूँ वाला गेहूँ नहीं देता है सब, बिना राशन कार्ड का कैसे देगा? हाँ सच बात, जहाँ 10 आदमी है वहाँ 6 आदमी के गेहूँ दे रहा है, राशन पे भी ये हाल हो रहा है सब। अशोक शर्मा 2 आदमी का है तो 2 आदमी का तो हमारे सामने रख लेता है वो। अच्छा 2 आदमी का खा जाता है? खा जाता है। वहीं गांव का कोई व्यक्ति इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशासन के पास शिकायत करने पहुंचता है तो उसके साथ भी अभद्रता की जाती है। साथ ही इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी देखने को मिली, यहां शौचालयों के नाम पर केवल मजाक भर किया गया है। वहीं इस गांव में एक है शासकीय विद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ने जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि अक्सर लगा रहता है इस शासकीय विद्यालय में ताला। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की कुंभकर्णी नींद हमारी खबर देखने के बाद जाग पाएगी या नहीं। बोला यादव है तो क्या क्या कर रहा है वो? ये खरंजा डाला है और रोड का हम कह रहे हैं बरसात में बच्चे पढ़ने को नहीं जाते, बरसात में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। 2 साल आ गया एक लड़का खत्म हो गया बहके। अच्छा बहके एक लड़का भी खत्म हो गया? हो गया सर, और हमारे बाल बच्चे पूरे स्कूल में जाते हैं तो हमारे को दिक्कत आ रही, मैंने पंचायत से भी बात करी। अच्छा पंचायत से मैंने बात करी कि सब हिंदुस्तान में गाँव में आंगनवाड़ी है मगर हमारे गांव में आंगनवाड़ी नहीं है सर। आपका क्या नाम है? गोरा भाई है। गोरा भाई है, आप क्या करती हैं यहाँ पे? रोटी बनाती हूँ। अच्छा आप ना आंगन स्कूल की मध्याह्न भोजन की रोटी बनाती हैं आप, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ कौन है? है सर है लेकिन आती नहीं है। आती भी नहीं है। क्या नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का? तो बोलती है बोले तुम रिपोर्ट करो मेरे नाम से, मेरे को दे ही नहीं रहे तो मैं कहाँ से दी तुम? तो वो आती भी नहीं है यहाँ पे? वो महाराज खा रहा है सब जिंदगी से। महाराज खा रहा है? हाँ। क्या नाम है वो महाराज का, क्या करते हैं वो? राजू। राजू राजू कौन है वो? महाराज पूरी आंगनवाड़ी भाई के हाथ में, भाई के हाथ में, उसके हाथ में है महाराज के। क्या नाम है उसका नाम? राजू। अच्छा तो वो कहाँ मिलेंगे हमें अभी? मुरादपुर में मिलेंगे, जो मुरानिया चक है। तो यहाँ पे और क्या क्या समस्याएं आपकी सर? वो सेक्रेटरी से नहीं बोला आपने, सरपंच से नहीं बोला? हमारी समस्या ये है जी कि एक तो रोड का मुरम गिरम डल जाए या रोड बन जाए। हाँ जी। तो बच्चे जाने आने बड़े स्कूल में लगे, बड़े स्कूल में। और दूसरी बात पुलिस चौकी कच्ची है, पुलिस चौकी भी यहाँ कच्ची है। अच्छा पक्की पुलिस चौकी बन जाए, पक्की पुलिस चौकी बन जाए तो हमारा दिक्कत हटे कैसे? को वो आजाद हो जाए सब, आजाद होंगे हमको रहना यहाँ मुश्किल कर देते हैं। अच्छा कौन से यहाँ का? खेजड़ा, कनेरा, बिला, खेड़ी। अच्छा ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? हम ये जमीन रखने को देख रहे हैं, हमको सोच रहे हैं ये है गरीब लोग, इनको डराएंगे तो ये भाग जाएंगे, जाए जमीन इसू की हम ले लेंगे। हाथ में बंदूक है? बंदूक है हमारे सामने, हमारी बकरी ले जाते हैं 15 दिन आ गए वो इसकी 2 बकरी ले गए सर। और एक सेक्रेटरी उसको बोलो, सेक्रेटरी कौन है यहाँ पे? सेक्रेटरी का क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम सेक्रेटरी है। और सरपंच का क्या नाम है? भोला। भोला राम। यहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, सरपंच सेक्रेटरी सचिव द्वारा की धांधली
हर तरीके के रिश्वत ली जाती है यहाँ पे हर कोई के काम के। राशन कार्ड के रुपये मांगते हो? राशन कार्ड के कितने पैसे मांगते हैं आपसे? 500 रुपये एक राशन कार्ड बनाने। एक राशन कार्ड के 500 रुपये मांगते हैं आपसे? कौन मांगता है आपसे? सेक्रेटरी मांगता है। सबको रिश्वत दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुरानिया चक में यहाँ पे गरीब लोग हैं सभी। आप लोग पारदी समुदाय से हैं? पारदी समुदाय के लोग यहाँ पे में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। इंसान है, वो भी मजबूरियाँ, उन्हें भी शासन की योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मैं जिस भी गांव में जाता हूँ हर गांव में सरपंच सचिव सेक्रेटरी की धांधलियों की हमें अक्सर प्रूफ यहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे बारिश में नदी के कारण एक नाले से एक बच्चे की डेड भी हो चुकी है और सरपंच वगैरह कोई यहाँ पे मुरम की सड़क या कोई भी सड़क डालते नहीं है। दो साल पहले इनका बच्चा भी इसी तरीके से खराब खत्म हो गया यहाँ पे। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ इस गांव में कितनी कुटी आई है? 5 कुटियां आई है सिर्फ, बाकी की और परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग रहते हैं यहाँ पे। और सभी देखिए आप टपरों में रह रहे हैं। उनको ये बच्चे वाले उनके बाल भी घर नहीं आया ना, हमारा भी नहीं आया। हमारे पास तो एक भी घर नहीं ना, झोपड़ा है ऐसे पड़े हैं दूसरे के घर में। मुरादपुर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। डीजीआरएम में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।